आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए फिर से एक स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि सिंपल और बहुत खूबसूरत है। और ये दो लाइनों में बन जाती है, यानी टू रो में ये बन जाएगी आपकी डिज़ाइन। और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में डालें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ सिलाई पर 26 फंदे डाले हुए हैं, 26 फंदे डाले हुए हैं हमने इसमें। तो पहला फंदा से शुरू करते हैं हम। ये हमारी राइट साइड है और रो वन से शुरू कर रहे हैं हम, यानी पहली लाइन से हम शुरू कर रहे हैं। पहला फंदा हम नॉर्मली उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। और जिस तरह से हम जाली बनाते हैं उस तरह से धागा अपनी ओर करेंगे। और उसके बाद धागा अगर आगे करने के बाद दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक और ये दो, दो फंदा सीधा बनाने के, जिसमें हमने जाली बनाया, देखिए वो जाली वाला फंदा इन दोनों के ऊपर से हम इस तरह से गिरा देंगे। फिर धागा हम अपनी ओर लाएंगे इस तरह से, ये हमारा इस तरह जाली बन जाएगा। फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, और जो हमने जाली बढ़ाया हुआ था देखिए ये वाला फंदा, इसके ऊपर से हमें गिरा देना है इस तरह से, ये दो फंदों के ऊपर से इसे गिरा देना है। फिर धागा अपनी ओर लाएंगे हम और दो फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, एक फंदा और ये दूसरा फंदा, और ये जो फंदा है देखिए इसे हम इसे इन दोनों के ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। सबसे आसान और सुंदर डिज़ाइन है आपका, जल्दी बनाना चाहती हैं किसी में और अच्छा भी लगे तो ये डिज़ाइन डाल सकते हैं आप इसमें। चलिए इसी तरह से पूरी लाइन आपको करनी है, धागा आप आगे लाएं और दो फंदों को सीधा बुने, एक दो, और ये जो हमने जाली बनाया हुआ था, आगे फंदा लाया हुआ था, धागा लाया हुआ था, उसे इसके ऊपर से गिरा देना है। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लें। तो चलिए पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारे रो वन कंप्लीट हो गई। अब रो टू में आते हैं। रो टू में हमें क्या करना है, बस सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। बस यही दो लाइनें आपको रिपीट करनी है और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए हमारा ये रो टू भी कंप्लीट हो गया। और फिर से हम रो वन से शुरू करेंगे। यहाँ से एक फंदा उतारेंगे, एक को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, उसके बाद दो फंदों को सीधा बुनेंगे, और जो हमने धागा आगे लाया हुआ था इन दोनों फंदों के ऊपर से हमें गिरा देना है। तो इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करें। तो चलिए, तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।